तो हेलो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए। तो अगर आप मेरा ब्लॉग पूरा फुल देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो कोई भी पार्ट मिस हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। तो पूरी की पूरी वीडियो फुल एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं पायल पहन रही हूँ, तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है मैं करती हूँ स्टार्ट। तो चलिए, मेरी बन रही है अभी सुबह सुबह की चाय। तो सुबह का 6:30 का टाइम है फ्रेंड्स। तो मैं आज बहुत ही स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये मेरे अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है ये वाला। तो ये मैंने ना वो बनाया है, मतलब मसाला, चाय मसाला बनाया है। बहुत सारे मसाले डाल के मैंने चाय मसाला बनाया है, और यही मेरी बहुत ही अच्छी हैबिट है कि मेरी हाथों की जो चाय है ना, सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चाय जो है ना, चाय यहाँ पे बस बन रही है, तो मैं इसमें अभी डाल दूँगी ये। तो जी, ख़त्म हो जाएगा अभी ये, जस्ट बोलूँगी मैं फिर से सामान लेके आने के लिए, और फिर मैं बना लूँगी मसाला, ठीक है। तो ये देखिए, चुटकी भर का डालना होता है ये, देखिए बस। और चाय में इतना स्वादिष्ट आ जाता है कि मन करता है एक कप की जगह 2 कप पी ले। तो चलिए, इसको छोड़िए, अभी आज ना आज खाने में आज क्या बन रहा है वो आपको चलिए बताते हैं। तो सोचती हूँ मैं पहले, तो पहले तो मैं मेरी घर में वेजिटेबल लगी है उसको तोड़ूंगी। पहले करेले की सब्ज़ी है, तो चलिए फटाफट चाय को डाल लेती हूँ, और उसके बाद मैं सब्ज़ी तोड़ूंगी, तो वो आपको दिखाऊंगी कितने घर में हमारे घर में करेले वगैरह लग गए हैं। और क्या आज मैं करेले बनाने वाली हूँ जो कुछ और, लेकिन होगा स्पेशल, ठीक है। तो चलिए फिर दिखा। तो यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो चाय जस्ट बन गई है, मुझे देनी है सबको। तो मैं यहाँ पे चाय सबको दे देती हूँ। तो देखिए, मैंने मम्मा पापा और अपने हस्बैंड जी को चाय दे दी है, और माविया को जो मैंने बॉटल वाइल कर दी थी, और यहाँ पे दूध भी माविया को मैंने दे दिया है। तो माविया के सोते सोते ही मैं दूध दे देती हूँ। तो अभी सोई है फ्रेंड्स माविया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं सब्ज़ी लेने आ गई हूँ यहाँ पे करेले की। तो करेले हमारे घर के खुद के लगे हैं, तो चलिए आज मैं इनको तोड़ ही देती हूँ। काफ़ी दिनों से लगे थे, तो अभी देखने भी पड़ेंगे है भी है या नहीं, ठीक है। तो आज ना हम यही बनाने वाले हैं करेले, ये देखिए। तो अच्छी घर की सब्ज़ी है, मज़ा भी आता है खाने का, है ना। तो उसको तोड़ लूँगी, मैंने लाया कुछ नहीं डालने के लिए। मैंने सोचा है कि शायद होंगे भी या नहीं, थोड़ा सा आइडिया था। ये देखिए, ये छुपे होते ना बीच में, दिखते नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे जो करेले हैं वो मेरे को मिल गए थे, तो दिख नहीं रहे थे पहले। अभी देखिए, आपके सामने ही तोड़ रही हूँ मैं। तो फिर आपको पूरा वीडियो जो है दिखाऊंगी, वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कितने करेले हैं जो घर के थे और तोड़ के मैंने रखे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, ये आंगन वाली साइड आ गई थी मैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी मिल गए थे, और यहाँ पे भी तो आधे तो पक चुके थे, जो कि जिनका बीज बन गया था। तो इतने दिनों से ना हमें टाइम नहीं मिल रहा था कि करेले खाने का, तो करेलों को तो थोड़ा टाइम चाहिए होता बनाने का। तो चलिए यहाँ पे, तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ, और मैंने करेले यहाँ पे रख दिए। ये देखिए कितने बड़े बड़े करेले हैं हमारे घर के खुद के। तो चलिए, आज फिर करेले की सब्ज़ी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया था, उसमें ऑयल डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं शॉर्ट शॉर्ट दिखाऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि आगे आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी देखिए ये गर्म हो गया है ऑयल, और मैंने इसमें सारे के सारे डाल देने हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे डाल देने हैं इसमें। तो अभी जो है फ्राई होने तक वेट करना है, फ्राई हो जाएंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे फ्राई हो गए थे, और मैंने अच्छे तरह से फ्राई कर लिए थे, एकदम कुरकुरे, और बाहर निकाल दिए थे। और जो ऑयल बचा होता है फ्राई करने के बाद, उसके अंदर ही हम तड़का वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया था,
लहसुन की 5-6 कलियाँ थी, उसमें मैंने प्याज डाल दिया और जीरा धनिया सब कुछ। और अभी मैं डाल दूंगी इसमें नमक मिर्च जो भी मसाला स्वादानुसार जो आपको जो भी चाहिए वो डाल दीजिए। और मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी साथ साथ ही ऐड कर दिया है और उससे क्या होता है फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे अभी इमली जो है भिगो के रखने के लिए छोड़ दी थी, इमली भिगोने के लिए छोड़ दी थी, तो अभी मैं उसको बस मसल के इमली को, ये देखिए मैं इमली मसल रही हूँ अभी, तो इसका जितना भी पानी होगा, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना ताकि इसकी पेस्ट जो है अच्छी तरह से बन जाए। तो मैंने यहाँ पे जो है मसाले को पेस्ट बना लिया है, तो अभी इसमें डाल देंगे करेले। तो अभी मैं इसमें डालूंगी चीनी, तो ये देखिए मैंने चीनी ली हुई है और मैं इसमें डाल देती हूँ। और चीनी कौन कौन डालता है ये मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चीनी से जो है थोड़ा सा स्वादिष्ट आता है, जो कड़वापन है वो भी चला जाता है। तो देखिए इतनी सी मैंने जो है चीनी इसमें डाली है, ज़्यादा नहीं डालूंगी, तो ज़्यादा डालने से टेस्ट ज़्यादा मीठा बना जाता है, तो इसलिए खट्टा मीठा हो तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से आप लोग भी बना के देखिएगा कि आपको शायद पसंद आ जाए ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने जो सारे के सारे डाल दिए थे इसमें करेले, तो अभी जब तक ये अच्छी तरह से हो ना जाए, मतलब एकदम गाढ़े ना हो जाए, पानी सूखाना है इसके अंदर। तो जैसे पानी इसमें सूख जाएगा समझो कि हमारे करेले हो गए, सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। और यहाँ पे देखिए तो फाइनली मेरी सब्ज़ी जो है आज की बन गई है। तो चलिए आगे का ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई हूँ लाबी में। तो लाबी में मेरा जो बेड का जो मिरर था ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं नीचे से बेड को क्लीन कर देती हूँ, लेकिन ऊपर से जो है धूल मिट्टी इतनी छाई हुई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकूँ। तो घर में फ्रेंड्स बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें धूल मिट्टी छाई होती है और हम ना कभी कभी इग्नोर कर देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, तो दोपहर को कर लेंगे, ऐसा ही होता है। मेरे घर में तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं आपको पता है कि मेरी जो हालत है इस समय की, मुझे ऊंच नीच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी मैं कोई भी चीज़ कोना जो है छोड़ती नहीं हूँ, हमेशा क्लीन रखती हूँ, यही मेरी हैबिट अच्छी बनी हुई है। और घर वालों को भी मतलब फैमिली को सबको यही मेरी बहुत ही अच्छी हैबिट लगती है कि मैं जो है डेली घर की थोड़ी बहुत जब मौका मिलता है तो क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं आ गई ही थी सोफ़े रूम में, ये तो आपने काफ़ी बार देख लिया होगा मेरा सोफ़ा रूम। तो यहाँ पे आपको बड़ी वाली ये राधा कृष्ण की जो सीनरी दिख रही है ना, तो ये मैंने ना थोड़े दिन ही हुआ अभी लगाए हुए, तो उसको भी मैंने ब्लॉग दिया था आप लोगों को, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही। तो ये मेरी जो बेल घंटी है ना, बेल जो होती है गेट की बेल होती है ना, वो ना एक वायर जो टूट गई है, तो वो यहाँ पर लगाई थी, टूटी पता नहीं कैसे, ये मुझे पता ही नहीं चला। तो चलिए अभी दिखाते हैं, बाद में हस्बैंड को जी को बोलेंगे, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको साफ़ भी कर दिया, पर्दे मैंने उतार दिए हैं और पाइप को मैंने जो है अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है क्लीन, क्योंकि पाइप के ऊपर जितनी धूल मिट्टी छाई होती है इतनी पर्दे के ऊपर नहीं होती है। तो मैंने अच्छी तरह से पाइप को भी साफ़ कर दिया और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने चारों तरफ जो है मिरर थे वो उनको भी बाहर लकड़ी जो वुड होती है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और आगे बैठ गई थी मैं यहाँ सोफे पे, क्योंकि ऊपर वाला काम ख़त्म हो गया था और यहाँ पे मैं बैठ गई थी बेड के ऊपर, और मैंने अपनी पायल जो है ठीक कर ली, क्योंकि पायल जो है ना तो टेढ़ी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उससे पायल को भी ठीक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए पर्दे मैंने रख दिए साइड पे और मैं चादर को चेंज करूँगी, चेंज नहीं करूँगी, इसी को बिछाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे एसी वाला रूम है ये, तो यहाँ पे पापा जी सोए थे, तो फिर क्या होता है कि चादर जो होती है आगे पीछे हो जाती है, और ये गद्दा ना कुछ सेट नहीं बैठता, पता नहीं क्या चक्कर है, सेट तो है ये पूरा अच्छी तरह सेट है, लेकिन इसकी जो चादर है ना वो कम पड़ जाती है, कभी उस साइड से कम हो जाती है, कभी उस साइड से कम हो जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है, जहाँ मेरे को कुछ डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा नोट नहीं किया था, तो यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी चादर, तो मैंने इग्नोर कर दिया होगा शायद, तो नहीं तो मैं इसे अच्छी तरह से ठीक कर देती चादर को। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना टेबल का कपड़ा भी बिछा दिया था और यहाँ पे जो मेरी पटेलें वगैरह थी वो भी मैंने यहाँ पे लगा दी। तो आप
हे गाइस, अभी मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और कल जो आज की अदर क्लीनिंग ब्लॉग जितना भी होगा जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो मिलेगा आपको कल। तो अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी थी, मैंने सोचा कि काफ़ी है ये, तो बस मुझे यहीं पर वीडियो को कुछ करना पड़ रहा है स्टॉप। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।